तो यहां मैंने लिया एक छोटी पतीली में पानी, एक से डेढ़ गिलास पानी, और इसको मैं होने रखूंगी गरम। हमें यहाँ इसे बहुत खौलाना नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है, सिर्फ करना है गुनगुना। और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी मैं एक चम्मच नमक। तो ये देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, ये गुनगुना हो चुका है, तो अब हम इसको हटा देंगे। और इसी के साथ मैं रखूंगी सबसे बहुत ज्यादा धीमी आपको गैस की आंच कर देनी है। और इसी के साथ छोटी एक पतीली और रखिए, इसमें डालेंगे हम आधा लीटर दूध, वो भी फुल क्रीम, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें ऐड होने वाली एक चीज़ है खास, वो चीज़ है वाइट विनेगर, जो कि सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया वाइट विनेगर। वाइट विनेगर हमारे दो कैप इसके यूज़ हो जाएंगे, मैंने इसी बॉटल का कैप ले लिया है, तो एक कैप मैंने वाइट विनेगर निकाल लिया है। तो ये मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि गैस की आंच मैंने बिल्कुल धीमी रखी थी, और इस गैस पे जब हम दूध रखेंगे तो इस दूध को हमें लगातार एक चम्मच से चलाते रहना है। दूध को हमें गर्म नहीं करना है, खौलाना नहीं है, सिर्फ हल्का गुनगुना करना है, इतना गुनगुना करना है कि हमारी उंगली से सहन कर पाए। तो अब हमारा दूध गुनगुना हो गया है, अब हम इस विनेगर को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और कंटिन्यू हम अपने दूध को चलाते जाएंगे। आप दूध में विनेगर डालने के बाद आप देखते जाओगे कि ये फट रहा है, धीरे धीरे फट नहीं रहा है, एक्चुअली उसमें चीज़ बन रहा है। तो ये चीज़ बनते हुए आप देखिए कितनी आसानी से बन रहा है, और बस इसको लगातार चलाते जाइए। जिसमें देखिए क्रीम अलग हो गई है और पानी अलग हो चुका है। जब ये चम्मच में एक बार में समेटने लगे तो हमारा चीज़ बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चीज़ में से चीज़ के लिए इस दूध में से इस क्रीम वाले दूध को निकाल लेंगे इस तरह से, देखिए, और इसका पानी अलग हटा देंगे। मैंने यहाँ चम्मच से निकाल लिया, आप किसी छन्नी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अब हम इसमें से दबा दबा कर ये दूध का पानी निकाल देंगे पूरा। और इसे हमें करना है गर्म पानी में, जो कि हमने पहले गर्म नमक वाला पानी गर्म किया था, तो उसमें हमें इसे वॉश करना है ताकि इसमें विनेगर की जो स्मेल है वो निकल जाए। तो ये देखिए मैंने एक साफ बाउल में पानी ले लिया है गुनगुना वाला, अब इसमें हम इस तरह से इसको धोएंगे और इसको आपको पूरी ताकत से दबाना है ताकि इसमें से विनेगर वाला जो दूध है वह निकल जाए। हम इसमें फिर दोबारा साफ पानी लेंगे और फिर इसको दोबारा धोएंगे। हम इसको 2 से 3 बार साफ पानी से इसी तरह से गुनगुने पानी से धोते रहेंगे ताकि इसका दूध वाला पानी निकल जाए और हमारा एक अच्छा विनेगर बनकर, सॉरी विनेगर कह रही हूँ, चीज़ बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने चीज़ को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसको एक पॉलीथीन में रैप करेंगे। मैं इसको एक लंच बॉक्स में इस तरह से सेट करके रख दूंगी ताकि इसकी शेप भी अच्छी आए, और बस इसको 2 से 3 घंटे आप इसी तरह से फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, 3 से 4 घंटे के बाद हमारा चीज़ बिल्कुल टाइट हो गया है, जैसे कि मार्केट से आता है, एक अच्छा पीस बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए हम इसको रैप खोलेंगे इसका। तो ये देखिए इसी तरह से कुछ हमारे बाहर से भी चीज़ आता है ना, देखिए कितना चमक है और कितना एक अच्छा पीस बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सख्त उसी की तरह जैसे कि मार्केट से आता है। और मैं यहीं तक अपना वीडियो एंड नहीं करूंगी, मैं आपको इसका यूज भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड पिज्जा अपनी बेटी के लिए, यहाँ पे मैं इस पे लगा रही हूँ पिज्जा सॉस, छोटे टुकड़ों में कटे टमाटर। मेरी बेटी को ये ब्रेड पिज्जा बहुत पसंद आता है, मैंने इससे पहले भी चीज बनाई है घर में और मैं यूज करती हूँ, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी चीज बन जाती है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हर्ब्स डाल दी है, पिज्जा हर्ब्स, चिली फ्लेक्स,
तो यहाँ मेरा वीडियो ब्रेड पिज्जा का नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ होममेड चीज कितनी प्यारी और कितनी अच्छी बनती है। तो अब हम इस पर कस करेंगे होममेड चीज। होममेड चीज देखिए एकदम सेम टू सेम मार्केट जैसी चीज है ना, ये मार्केट जैसी चीज आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि मार्केट की है या घर की। तो मैंने तवा पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम यहाँ ब्रेड पिज्जा के स्लाइस रख देंगे और इस तरह से हम इसे करीब 3 मिनट ढककर गर्म होने देंगे। तो ये देखिए ये भी थोड़ी सी स्टिकी है, ये भी खींच रही है और ये बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होती है, इसमें स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार जरूर बनाइएगा होममेड चीज़, आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। खाना बनाते समय हमेशा अपना ध्यान रखिएगा।